अस्सलाम वालेकुम, आपको वसीम पॉइंट टीवी में खुश आमदी। ब्राय करम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रब के औलाद से पाक होने के दलाइल। हक ताला के औलाद से पाक होने की बहुत सी दलीलें हैं, जिनमें से कुछ हम आज बयान करेंगे। दलील अव्वल, औलाद की जरूरत मगलूब को होती है। कभी तो शहवत से मगलूब होकर जमा करता है, जिससे औलाद हो जाती है। कभी दुश्मनों की कुव्वत से मजबूर होकर औलाद की ख्वाहिश करता है, जो अपना कुव्वत बाजू हो और इसके जरिए रिश्तेदारियां बढ़ें और ये मजबूर होकर ना रहे। अल्लाह ताला हर किस्म की मगलूबी से पाक है, लिहाजा औलाद से पाक है। दूसरी दलील, बदलने वाली चीज औलाद की ख्वाहिशमंद हो सकती है। गैर मतबादल की औलाद नहीं। इंसान समझता है कि मुझको बुढ़ापा भी आने वाला है, उस वक्त तो फर्जंद चाहिए। चांद, सितारे, सूरज वगैरह चूंकि बदलते नहीं, इसलिए इनकी औलाद भी नहीं। रब्बे तौला भी तब्दीलियों से पाक है, इसलिए औलाद से भी पाक है। तीसरी दलील, फानी को औलाद दरकार है ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे। इंसान अपनी नस्ल की बका और अपने बाद घर की आबादी और अपने नाम को जिंदा रखने के लिए औलाद चाहता है। जानवरों की नस्ल की बका भी औलाद से ही है। रब वाजिबुल वजूद है, इसलिए औलाद से पाक है। चौथी दलील, औलाद बाप की हम जिन्स होनी चाहिए। अगर रब की औलाद होती तो इसकी हम जिन्स होती। जिन्स के लिए फसल जरूरी है और जिन्स फसल के लिए मादा जरूरी है। पांचवी दलील, औलाद में माँ बाप के जाती सफात चाहिए। अगर रब की औलाद होती तो इसकी तरह वाजिब कदीम खालिक होती और फिर औलाद होने की वजह से इसके पीछे होती। वाजिब कदीम होना पीछे होने के खिलाफ है, लिहाजा रब औलाद से पाक है। छठी दलील, औलाद जो अपने जज यानी नतफे से पैदा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी के बेटे नहीं। आपके सर की जूं आपकी औलाद नहीं, क्योंकि वो आपके नतफे से नहीं और रब्बे ताला नतफे से पाक है, लिहाजा वो औलाद वगैरह से पाक है। सातवीं दलील, औलाद में माँ की शिरकत होती है कि इसके कुछ अज़ा बाप के नतफे से बनते हैं और कुछ माँ के। अगर रब की औलाद होती तो इसमें माँ की शिरकत होती और वो इसका मुस्तकल खालिक ना होता, ये नामुमकिन है, लिहाजा वो औलाद से पाक है। आठवीं दलील, औलाद एक वक्त में माँ बाप की मुख्ताज, फिर इनसे बेपरवाह और फिर मामला बरअक्स के माँ बाप कुछ मामलों में औलाद के मोहताज हो जाते हैं और रब ताला मोहताजी से पाक है, लिहाजा वो औलाद से भी पाक है। नौवीं दलील, अक्सर औलाद वाला खुद भी किसी से निकलता है, जबकि रब किसी से बना नहीं तो इसकी भी औलाद नहीं। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें।